बीते दिन हुए प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख पर अज्ञात अपराधियों द्वारा जानलेवा हमला किया गया था। इस हमले में घायल प्रखंड प्रमुख उप प्रमुख से मिलने पहुंचे पुनः जिला परिषद उपाध्यक्ष शीतल प्रसाद यादव और डेमा पंचायत के मुखिया दिलीप यादव। दोनों समाज सेवी ने घायल व्यक्तियों को आश्वासन देते हुए कहा कि बहुत ही दुखद घटना है, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। जो आपराधिक घटना किया है सभी सम्मिलित अपराधियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई दी जाएगी, लेकिन इस तरह की घटना करने वाले लोग पुलिस के चंगुल से बाहर हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि मैं भी घटना में सम्मिलित सभी अपराधियों को गिरफ्तारी के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक से आग्रह करूंगा। बात है कि हम लोग जनप्रतिनिधियों के साथ में कहीं भी भ्रमण में जाते हैं तो लोग बीच में छेक करके जानलेवा हमला करता है, ये बहुत दुखित की बात है। सरकार आम लाइसेंस की बात की थी लेकिन पीछे हट गई है, आखिर वजह क्या रहा है कि भाई ऐसा? देखिए, हम लोग तो सरकार से मांग किए हैं कि कम हम लोग को लाइसेंस मिला जाए। स्कूल की समस्या से गए थे, सरकारी स्कूल जो थोड़ा है वहाँ से लौट रहे थे, उसी क्रम में बीच रास्ता में कुछ अपराधी लोग घात लगा के बैठे हुए थे, गाड़ी रुकवा करके और एक बार हमला कर दिया। उसमें हथियार वगैरह सारा चीज़ लैस था, उसे मारे। क्या लग रहा है, कौन लोग मारे हैं आपको? देखिए, हमको स्थिति ठीक नहीं है, हम जानते हैं। उनको भी स्थिति थोड़ा ठीक होने के बाद हम सारा चीज़ आप लोग के मीडिया के सामने है फिर बतावेंगे। आप लोग को हम बतावे से असमर्थ हैं, स्थिति मेरा गंभीर है, अभी हम बोलने से असमर्थ हैं। इस घटना में प्राथमिकी दर्ज हो गई है? इस घटना में ही बड़ा होकर हम बोले हैं कि थोड़ा ठीक हो जाएंगे, हम आपको फिर ध्यान देंगे, इसलिए कि 20 से 25 आदमी की जनसंख्या में थे तो हम इतना को अभी स्वस्थ नहीं है कि हम नाम बता सकते, इसलिए हम थोड़ा स्वस्थ हो जाते हैं। उसके बाद हम सारी बात घटना का वस्तु स्थिति आप लोग का अवगत करा देंगे। परिचय दीजिए। मुन्ना यादव, प्रमुख महिला। कल के डेट में हम चले जा रहे थे जेठवा दहा स्कूल विजिट करने के लिए, उधर से लौट रहे थे। लौट करके जैसे ही हम घुघरी ताड़ पर लौटे तैसे कुछ लोग वहाँ पर जो है से करीब करीब 20-25 या 30 का संख्या में हम लोगों को मैंने बीच में अटैक करके गाड़ी का शीशा फोड़ दिया। कहाँ पे? घुघरी तार बोलते हैं। घुघरी तार? हाँ। ये कहाँ पड़ता है? ये आपको केवला पंचायत में पड़ता है। अच्छा, फिर क्या हुआ? वहाँ पर अचानक ये लोग शीशा फोड़ करके और मोबाइल से पॉकेट से मोबाइल हाथ डाल के जब्त कर लिए, और उसके बाद गेट खोल करके बाहर निकाल के हम लोग अचानक मारपीट करना चाहिए, अचानक मारपीट कर दिया। फिर क्या हुआ? मारते क्रम में जान से ये लोग मारने के लिए पूरा मनो प्लान करा लिए थे, उसी बीच में हुआ कि कुछ लोग रोड पर मिले, आते हुए उनको नज़र में आया तो वैसे मतलब छोड़ छाड़ के भाग गए। पहचान रहे लोगों को? नाम से किसी को नहीं बता सकते, इसलिए चेहरा से जान रहे हैं। चेहरे से कहीं मतलब नहीं जा रहा, लोकल उन लोग वहीं उधर किसी एक दो या तीन उस तरह से जो लोग हैं उन लोगों का। हमला करने का क्या उद्देश्य है, पहले से रंजिश था क्या था? हाँ, हमला करने का उद्देश्य हम लोग से पूछते रहे भाई किस लिए हम लोग को मार रहे हो, वो लोग बोल रहा है कि तू बहुत नेता बन रहा है, उनको जान से मार देंगे। परिचय दीजिए। मेरा नाम दीपक कुमार सिंह, प्रखंड प्रमुख। थाना में प्राथमिकी हो गई है? थाना में प्राथमिकी अभी नहीं हुई है, हम लोग को होश मतलब सुबह से आना शुरू हुआ है, बढ़िया से हम लोग नहीं होश में थे। अब फर्द बयान होगा? हाँ। हमारे ऊपर प्रमुख मुन्ना यादव थे और दीपक सिंह प्रमुख हैं मोहनपुर प्रखंड के। काफ़ी दुखद घटना घटा है इन लोग के साथ थे। और बताइए, कोई जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र का भ्रमण करता है और उसमें टारगेट लगा करके किसी अपराधी के द्वारा इस तरह का, एक तरह से कहिए कि उन लोग हत्या करने का प्रयास किया जा रहा था, उन लोग को भगवान भरोसे बच के चल आया,
हम गया जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि आए दिन जनप्रतिनिधि किस तरह का घटना होते जा रहा है। हाल फिलहाल में आप लोग देखते किए, मेरा भी लोग मोबाइल से धमकी दिया, आज हमारा प्रखंड के प्रमुख और उप प्रमुख का घटना घटा। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इन लोग के सुरक्षा दिया जाए और उचित मुआवजा दिया जाए और बढ़िया से बेहतर इलाज किया जाए और जो भी इसमें अपराधी है वो बचे नहीं। सर अभी 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 FIR नहीं हुआ अभी तक, अभी आ रहा है थाना प्रभारी, इनको से फर्द बयान लेंगे। हमारी बात सीनियर SP से भी हुई है और इस घटना को गंभीरता से हम लोग ले रहे हैं और जो भी इसमें है सब सख्त से सख्त कार्रवाई की। प्रतिनिधियों के आम सुरक्षा की बात की गई थी लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं इस पर चर्चा है। अब इस पर हम लोग DM साहब से बात करेंगे, बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से बात करेंगे, इस तरह का जनप्रतिनिधि के रोज इस तरह का घटना हो रहा है। आज भगवान का देन था कि दोनों बच गया, अन्य तो कुछ हो सकता था। तो मैं सरकार से मेरा मांग है कि सभी जनप्रतिनिधि जो भी प्रमुख उप प्रमुख हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सभी जनप्रतिनिधि को सुरक्षा मिलना चाहिए। अब अपना इन लोग हथियार के लिए लाइसेंस के आवेदन देंगे, अब आवेदन दें तो DM साहब उसको तुरंत लाइसेंस दें, ये मेरी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद।